हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो पहले हम कर चुके हैं सारे फाइलम्स अप टू आर्थ्रोपोडा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम। इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा आप देखोगे दैट ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द फाइलम ऑफ जॉइंटेड लेग्ड एनिमल्स, क्योंकि हर एक आर्थ्रोपॉड में जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस बेसिकली लेग्स, एंड दीज आर जॉइंटेड बाय वन अनदर। दीज आर नॉट इन द कंटिन्यूटी बट दीज आर जॉइंटेड। थस द फाइलम आर्थ्रोपोडा इज आल्सो नोन एज द फाइलम ऑफ जॉइंटेड लेग्ड एनिमल्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले वील कम टू नो अबाउट की एनलिडा। एनलिडा में ऑर्गन सिस्टम था, तो यहाँ पे भी क्या है, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस ऑर्गन सिस्टम इज प्रेजेंट। सेल है, सेल आर फॉर्मिंग टिश्यूज, टिश्यूज आर फॉर्मिंग ऑर्गन्स, ऑर्गन्स आर फॉर्मिंग ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली मेनी ऑर्गन सिस्टम्स आर इवेंचुअली फॉर्मिंग एन ऑर्गेनिज्म। इनकी जो सिमेट्री है दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस और वन एक्सिस वी कैन डिवाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। द सिमेट्री इज बायलेटरल सिमेट्री। देयर आर थ्री जर्मिनल लेयर्स, दैट मींस द आर्थ्रोपॉड्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। देयर आर थ्री जर्म लेयर्स, द जर्म लेयर्स आर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। दीज आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स दैट आर प्रेजेंट इन द phylum Arthropoda. Coelomate, true coelom is present from the Eskil-Hellman के बाद से pseudopoda जो pseudo coelom थी वो present थी। After the phylum Eskil-Hellman थी, उसके बाद कौन सा फाइलम शुरू हो गया, हर फाइलम में ट्रू सिलोम प्रेजेंट होने शुरू हो गए। फॉर एग्जांपल हमने देखा था अर्थवर्म में भी, एनलिड्स में भी जो ट्रू सिलोम था दैट वाज प्रेजेंट, यू सिलोम वाज प्रेजेंट, एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा इज आल्सो सिलोमेट दैट इज ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट। They are cosmopolitan in nature. They are found all over the world. They are found in all kind of habitats and of course मिट्टी में भी कोल्ड एनवायरमेंट में भी, हॉट एनवायरमेंट में भी, बट जो मोस्ट अबंडेंटली फाउंड होते हैं दे आर फाउंड इन ह्यूमिड प्लेसेस, ऑफ कोर्स टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक बोथ। ओके, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम इन आर्थ्रोपॉड्स इज कंप्लीट। It is having two openings, that is one mouth and one anus. एक opening जो है that is present for the ingestion and the next opening is present for egestion. Thus it is having two openings and the digestive system is known to be complete. After that, respiratory organs जो है they may be gills, they may be book gills, they may be trachea or they may be book lungs. Book gills or book lungs kya hote hain, book gills and book lungs are the organs that are just the pages of the book. Ki gills ke upar gills present hote hain, just like that book gills and book lungs are present, bahut hi zyada patli layer pages ki tarah, and a lot of layers form these respiratory organs. Thus हमें पता चल गया एनालिड्स में जो क्या था, एनालिड्स में या तो ब्रैंकियल या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन प्रेजेंट थी, मतलब रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। बट अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है दीज आर द गिल्स, दीज आर बुक गिल्स, ट्रैकिया, बुक लंग्स एक्सेट्रा। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। एनालिड्स में हमने क्या देखा था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम था दैट वॉज क्लोज, द ब्लड वॉज फ्लोइंग थ्रू द
ब्लड वेसल्स दैट इज आर्टरीज एंड वेन्स, इसकी वजह से हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को या सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोला था, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोला था. बट ऑपोजिट टू दैट जो हमारे फाइलम आर्थ्रोपोडा में सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज ओपन टाइप, मीन्स देयर इज बेसिकली नो प्रेजेंस ऑफ मेजर ब्लड वेसल्स. जो बॉडी कैविटी के अंदर ब्लड है वो ओपनली ही मूव करता है, और उसके उस टाइप के ब्लड को हम क्या बोलते हैं, हेमोलिम्फ. जो आर्थ्रोपॉड में ब्लड है उसको हेमोलिम्फ बोला जाता है बिकॉज उसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं प्रेजेंट है. एंड ये बॉडी कैविटी में फ्रीली मूव कर सकता है. थस द काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज ओपन काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. उसके बाद रिप्रोडक्शन की हम बात करें, रिप्रोडक्शन इज मोस्टली डायोशियस. Dioecious means there are two sex, two separate organisms for both the sexes. Male is different and female is different. They are dioecious and they do the internal fertilization. The fertilization, male जो है अपने sperms female की body के अंदर छोड़ता है. This kind of fertilization is internal fertilization, egg laying fertilization है. फर्टिलाइजेशन होने के बाद फीमेल क्या करती है, एग ले कर देती है. उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, ओवीपेरस ऑर्गेनिज्म. ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट ले एग्स. फर्टिलाइजेशन के बाद एग्स ले करने को ओवीपेरस, ओवीपेरिटी बोला जाता है. डिवेलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्टली भी जो है एग से एडल्ट को रिजेंबल करने वाला ऑर्गेनिज्म निकल सकता है, और जैसे कि हमने कैटरपिलर एंड कॉकरोच के केस में देखा है कि लार्वा भी प्रेजेंट होते हैं, तो इनडायरेक्ट भी हो सकती है. मींस लार्वल स्टेजेस मे बी प्रेजेंट मे नॉट बी प्रेजेंट. मोस्टली दे आर डायोशियस. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. दे आर ओवीपेरस दैट मींस एग लेइंग. डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. एग्जाम्पल्स यू कैन सी द बटरफ्लाई एग्स एंड एग्स में से क्या है, लार्वा जो है निकल रहे हैं, प्यूपा अल्टीमेटली कैटरपिलर एंड देन द बटरफ्लाई. ओके, आर्थ्रोपॉड्स को हम जॉइंटेड अपेंडेजेस वाला फाइलम बोलते हैं क्योंकि इनके पास सारे जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं. थस इनके यूनिक फीचर में जो सबसे ज्यादा आएगी एग्जाम्पल दैट इज दैट द फाइलम आर्थ्रोपोडा इज हैविंग जॉइंटेड अपेंडेजेस. द बॉडी हैज थ्री रीजन्स. हर एक आर्थ्रोपोड में थ्री रीजन्स है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, थ्री पार्ट्स ऑफ द बॉडी. द बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनस क्यूटिकल. एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन. इनके अंदर कोई बोन्स नहीं होती है लेकिन इनके बाहर एक काइटिन का एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. एंड इंसेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही ये है, आर्थ्रोपॉड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही ये है कि उनमें क्या है, काइटिन का एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो उनको प्रोटेक्ट करता है. एक्सक्रीशन, सभी में एक्सक्रीशन है. मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स. Nephridia थे annelids में and malpighian tubules are present in the case of arthropod. Sensory organs are antennae, compound and simple eye. And statocyst as the balance organ. Balance organ की तरह statocyst act करते हैं. समझ आ गई. द फर्स्ट फीचर इज दैट दे आर हैविंग द जॉइंटेड अपेंडेजेस. बॉडी हैज थ्री रीजंस, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनस क्यूटिकल एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर मेलफिजियन बॉडीज. सेंसरी ऑर्गन्स एंटीने, कंपाउंड एंड सिंपल आईज. कई ऑर्गेनिज्म में कंपाउंड आई प्रेजेंट है. कंपाउंड आई क्या होती है, कंपाउंड आई होती है बहुत छोटी छोटी आईज से मिलकर एक बड़ी आई बनी है. दैट काइंड ऑफ eye is known as compound eye. And कई organism में simple eye होती है.
And स्टेटोसिस्ट आर द ऑर्गन्स दैट आर प्रेजेंट फॉर बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, ताकि कोई भी अर्थपॉड है वो अब कहीं पे भी खड़ा है कहीं पे भी बैठा है तो अपनी बॉडी को प्रॉपरली बैलेंस कर सके. ओके, सो यू कैन सी द एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स में क्रैब, प्रॉन्स, स्कॉर्पियो, स्पाइडर ये सब आ रहे हैं. एंड ऑल द इंसेक्ट्स जो है दे आर फॉलिंग इन द कैटेगरी बिलो आर्थ्रोपोडा. इसीलिए इस फाइलम को सबसे बड़ा फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है, क्योंकि लार्जेस्ट इनमें जो होती है डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है. अब आप देखोगे इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स आर अलॉट एंड अलॉट ऑफ टाइप. सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी इंसेक्ट्स में ही पाई जाती है. उसके बाद स्पाइडर्स, क्रैब्स, स्कॉर्पियंस भी प्रेजेंट है, जो इस फाइलम को एक बहुत ही बड़ा फाइलम बना देते हैं. दैट्स व्हाई दिस फाइलम इज नोन एज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम एंड द फाइलम विद द लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी. बहुत सारे लिविंग फॉसिल्स भी प्रेजेंट है यहाँ पे. देखो हमारे पास इंसेक्ट्स आ रहे हैं, सारे इंसेक्ट्स के अंदर हमारे पास इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स भी हैं. फॉर एग्जाम्पल हनी बी, बॉम्बेक्स एंड लेसिफर, these are the organisms, these are used in research as well as for collection of various substances jo hum collect karne ke baad economically exploit karte hain. vectors bhi hote hain insects mein, jaise ki anopheles anopheles mosquito, culex, aedes and the housefly. housefly is also acting as a vector. wo kaise, kyunki uske pairon pe bahut zyada bacteria jo hai reside karte hain, क्योंकि ये सीवेज से बैक्टीरिया को कैरी करने के बाद हमारे फूड पे ले आती है. दैट्स लाइक दिस काइंड ऑफ फैक्टर. देन ग्रेगेरियस पेस्ट, पेस्ट भी है जो सारे हमारे फसल को बेसिकली नुकसान पहुंचाते हैं. पेस्ट भी सारे इंक्लूडेड है, पैरासाइट्स भी सारे इंक्लूडेड है, लाइस है, जो जुए हैं, जुए आर ऑल्सो, जुओं का भी जो फाइलम होता है दैट इज आर्थ्रोपोडा ओनली. एंड देन द ऑर्गेनिज्म दैट एक्ट एज लिमुलस, लिमुलस का नाम है किंग क्रैब, कॉमन नेम इज द किंग क्रैब एंड इसको लिविंग फॉसिल बोला जाता है. इसको सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म बहुत ही पुराने टाइम से माना जाता है, इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है. फॉसिल क्या होते हैं, फॉसिल वो होते हैं बेसिकली डेड ऑर्गेनिजम्स के जो रिमेन रह जाती है उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं. बट ये फॉसिल क्या है, ये एक लिविंग फॉसिल है एंड इसलिए बहुत कुछ प्रेजेंट होता है. ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक अगेन ऑन द फाइलम आर्थ्रोपोडा. Grade of organization, organ system is present, symmetry is bilateral, central axis से हम एक organism को दो part, दो equal parts में divide कर सकते हैं. There are three germ layers and that's why it is known as triploblastic. The three germ layers are ectoderm, endoderm and mesoderm. Coelom is present, that's why these organisms are known as coelomate organisms. They are cosmopolitan in nature, they are found everywhere. Everywhere जहां भी प्रेजेंट हो सकते हैं वहां पे हमें इंसेक्ट्स देखने को मिलेंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम है जो वो कंप्लीट है. देयर आर टू ओपनिंग्स प्रेजेंट, वन फॉर इंजेशन, सेकंड फॉर इजेशन. रेस्पिरेटरी सिस्टम इज गिल्स, बुक गिल्स, ट्रैकिया, बुक लंग्स एक्सेट्रा. सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, देयर इज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज प्रेजेंट. नो ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट एंड थस द सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज ओपन टाइप. Reproduction is mostly dioecious. Usually, internal fertilization is occurring. Usually, there is internal fertilization and mostly oviparous. Development is direct or indirect. Development may be direct, may be indirect. Then jointed appendages. Body has a head, thorax and abdomen. Chitinous cuticle, malpighian tubules.
सेंस ऑर्गन्स आर आल्सो प्रेजेंट. स्टैटोसिस आर द ऑर्गन्स, दे हेल्प इन बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी. बॉडी के थ्री पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. एंड हर एक बॉडी में जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं. जो काइटिन का एक्सोस्केलेटन है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्थ्रोपॉड. मेलफिजियन टिब्यूल्स जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, दैट इज ऑल्सो. क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स आर मेलफिजियन टिब्यूल्स. आंखें बंद करके अगर आपको ये याद, आपको अगर पता है इसके बारे में, तो आप आंखें बंद करके इसको लगा सकते हो. ठीक है. सेंसरी ऑर्गन, किस टाइप के सेंसरी ऑर्गन्स आर्थ्रोपॉड्स में फाउंड हो सकते हैं? देन दे आर एंटेने, कंपाउंड आइज एंड सिंपल आइज. स्टैटोसिस आर द ऑर्गन्स दैट आर यूज्ड फॉर बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी. एंड इसके एग्जांपल्स हैं ऑल द इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, क्रैब्स, प्रॉन्स एक्सेट्रा. नाउ लेट अस कम टू द जॉइंटेड अपेंडेजेस. के बाद हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है आर्थ्रोपॉड के बाद, दैट इज मोलस्का. आर्थ्रोपॉड का नाम क्या था? जॉइंटेड अपेंडेजेस. ओके, द ऑर्गेनिज्म विद जॉइंटेड अपेंडेजेस, द फाइलम ऑफ जॉइंटेड अपेंडेटेड ऑर्गेनिजम्स. मोलस्क का क्या नाम है? सॉफ्ट बॉडेड ऑर्गेनिजम्स, सॉफ्ट बॉडेड एनिमल्स. जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले के पास क्या होता था? काइटिन का एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट था. मोलस्का में अब आप देखोगे कि इनके पास कैल्शियम का कैलकेरियस, बेसिकली कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, जिसको हम शेल बोलते हैं. ठीक है, शेल्स जो है, शंख जो है, वो हमें मोलस्क से ही मिलते हैं. एंड मोलस्क आर द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम. ये आपको याद रखना है. द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इज ऑफ मोलस्का. द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम इज ऑफ आर्थ्रोपॉड. आर्थ्रोपॉड का जो सेकेंड नेम है, दैट इज द फाइलम ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस. एंड मोलस्क का जो सेकेंड नेम है, दैट इज द फाइलम ऑफ सॉफ्ट बॉडेड एनिमल्स. Now let us come to the general characteristics. General characteristics में grade of organization है जो, that is organ system. Of course जो organ system है वो present होगा. Symmetry is bilateral. Central axis से organisms को हम दो part में divide कर सकते हैं, that is bilateral symmetry. The development is triploblastic. Three germ layers की help से development हो रही है, that's why it is known as triploblastic development. Then coelomate organisms है, true coelom is present in the organisms. Habit and habitat, they are aquatic and some very few are terrestrial. Basically हमें पता है कि aquatic rivers या seas में ही shells जो है देखने को मिलते हैं, but जो snails जैसे organisms है वो गीली मिट्टी पे पाए जा सकते हैं. सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का. मोलस्का का दूसरा नाम है सॉफ्ट बॉडेड ऑर्गेनिजम्स. देन लेट अस टॉक अबाउट द ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम्स में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है. अब देखो एनालिट्स के बाद से जब हमें देखने को मिल रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट ही है, तो आगे भी हमें कंप्लीट ही मिलेगा जो ऑर्गन सिस्टम्स है वो, क्योंकि हम प्रिमिटिव से हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ भी था जो वो मोर डिवेलप्ड होगा, पीछे को नहीं जाएंगे हम. ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म में पिछले फाइलम से ज्यादा एडवांसमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि पीछे वाला ऑर्गेनिज्म जो था दैट वाज प्रिमिटिव एंड अब वाला क्या है वो एडवांस होगा. नाउ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन आर्थ्रोपॉड्स में आपने देखा था गिल्स थे, बुक गिल्स थे, बुक लंग्स थे, ये सब था. रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मोलस्क में हमें पल्मोनरी सैक देखने को मिलेगा. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में लंग सैक प्रेजेंट होता है, जिसको पल्मोनरी सैक बोलते हैं. एंड गिल्स ऑफ कॉर्स, कोई भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उसमें जो रेस्पिरेशन होती है, जो गैसेस एक्सचेंज होती है, रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली वो गिल्स ही होते हैं. द सर्कुलेटरी सिस्टम अगेन इज ऑफ ओपन टाइप. ये चीज आपको याद रखनी है, क्लोज टाइप जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दैट इज मोर एडवांस्ड. लेकिन उसको करने के लिए,
उसको करने के लिए बेसिकली एडवांसमेंट भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है. वी जस्ट नीड टू हैव अ प्रॉपर सप्लाई. एनालिट्स क्या थे? रिंग्ड थे एंड दे आर हैविंग ट्रू सेगमेंटेशन. जो एनालिट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था दैट वाज अबाउट द ट्रू सेगमेंटेशन. ट्रू सेगमेंटेशन तो किसी भी फाइलम में, किसी भी और फाइलम में मिलती ही नहीं है, सिर्फ एनालिट्स में ही देखने को मिलती है. तो उन्होंने जो था वो सर्कुलेटरी सिस्टम दैट वाज क्लोज्ड. बाकी ऑलमोस्ट जो लोअर ऑर्गेनिज्म है सब में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन ही है. ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम या ओपन टाइप वैस्कुलर सिस्टम का क्या मतलब है कि पंप ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट इनटू द बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी के अंदर डायरेक्टली ब्लड जा रहा है, किसी ब्लड वेसल के थ्रू नहीं जा रहा है. रिप्रोडक्शन. सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब डायोशियस. एग ले करते हैं एंड डायरेक्ट भी हो सकती है डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट भी हो सकती है. डायरेक्ट का मतलब कि नो लार्वल स्टेज, इनडायरेक्ट का मतलब है लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट. देन यूनिक फीचर्स, बॉडी हैज अ हेड, विजरल मास एंड मस्कुलर फुट. एक तो इनके पास हेड होता है, एक विजरल ऑर्गन्स वाले के लिए सारा विजरल मास. उसका कोई बेसिकली थोरैक्स या एब्डोमेन नाम का कोई नाम नहीं दिया गया है उनको. उनका एक हेड है, हेड के बाद उनके पास एक विजरल मास है. विजरल मास में सारे विजरल मतलब सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो है वो प्लेस्ड हैं. एंड जो इनका फुट है दैट इज, फुट इज बेसिकली मस्कुलर. मस्कुलर है मींस मसल्स प्रेजेंट है उसमें, वॉलेंट्री मसल्स. दे कैन हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू मूव. हेड हैज सेंसरी टेंटिकल्स. टेंटिकल्स प्रेजेंट है जो सेंस करने में हेल्प कर देती है कि कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, कोई प्रेडेशन है या प्रे या प्रीडेटर है वो प्रेजेंट है या नहीं. एक और चीज जो सब में प्रेजेंट है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ कैल्केरियस शेल. कैल्शियम का जो, कैल्शियम कार्बोनेट का जो शेल है वो हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है. दैट इज प्रेजेंट बेसिकली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल. क्योंकि ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है तो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स बेसिकली कैल्केरियस शेल के अंदर बंद है. फेदर लाइक गिल्स फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. गिल्स जो है दे आर फेदर लाइक एंड उन्हीं से रेस्पिरेशन हो जाती है, उन्हीं से एक्सक्रीशन हो जाती है. मेंटल एंड रेडुला आर सीन. नाउ व्हाट इज मेंटल एंड रेडुला? द मेम्ब्रेन व्हिच कवर्स द विजरल मास. स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी. बेसिकली मेंटल एक लेयर है, शेल के अंदर वाली लेयर है जहां स्किन लेयर है बेसिकली जो सारे विजरल ऑर्गन्स को कवर कर रही है. उसके बाहर जो मतलब कि सीलोम या एक कैविटी प्रेजेंट है जिसको क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी बेसिकली. बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन साइड द मेंटल दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द मेंटल कैविटी. मेंटल कैविटी MENTLE नॉट MENTLE. ओके, बेसिकली MENTEL. ओके, रेडुला. रेडुला क्या है? रास्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट इन द माउथ ऑफ मोलस्क. इट इज यूज फॉर फीडिंग. रेडुला क्या है? एक सक्कर की तरह ऑर्गन होता है जिसके बाहर टीथ प्रेजेंट होते हैं. दैट इज यूज्ड फॉर फीडिंग और प्रीडेटिंग ऑन सम एनिमल. अब आप इस डायग्राम में बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो कि दिस इज द मेंटल कैविटी. मेंटल कैविटी के अंदर सारे विजरल ऑर्गन्स प्रेजेंट है. विजरल ऑर्गन्स का मतलब सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हैं. सीलोम भी प्रेजेंट है एंड देन इट इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ शेल. दिस पार्ट इज नोन एज द हेड एंड हेड के अंदर जो माउथ है, माउथ के अंदर रेडुला है. रेडुला इज यूज फॉर फीडिंग. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. This one is the mouth, जहां से इंजेशन हो रही है. This one is the anus, जहां से ejection हो रही है. Radula is the organ that is used for feeding. This is present. This is the shell that is used in protection. बाकी सारे जो visceral organs हैं, they are covered inside the mantle,
एंड मेंटल के अंदर जो कैविटी है दैट इज नोन एज द मेंटल कैविटी और द सीलोम. एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम मोलस्का, सारे स्नेल्स, सारे शेल्स जो है, पर्ल, ऑयस्टर, सीपिया, लॉलेगो, डेंटेलियम, ये सारे जो एग्जाम्पल है दे आर एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स. एनसीईआरटी कहीं पे भी नाम आ रहा है तभी चकन्ने हो जाया करो कि हाँ ये एनसीईआरटी की है, मतलब ये नीट में, मतलब आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. बोथ द साइंटिफिक नेम एंड द कॉमन नेम आर इम्पोर्टेंट. पाइला का कॉमन नेम क्या है, पर्ल ऑयस्टर का साइंटिफिक नेम क्या है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन मोल्ड करके आपको आ सकता है. अगर आपको एक की दी गई है, अगर आपको एक की दे दी गई है कि एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को पढ़ो, मतलब एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल अपने हर एक चीज को रीड करना है, बिल्कुल प्रॉपरली रीड करना है, बिल्कुल दिल से रीड करना है, सो दैट कोई भी कमी ना रह जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए. कटल फिश इज वेरी इंपॉर्टेंट. Every example, each and every example is important. हर एक example important है, चाहे कोई भी है, किसी भी type की. That is really very important for you guys to remember, to learn and to notice. एक और चीज है जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, that is about कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स के बारे में इनकी डायग्राम अगर एनसीईआरटी में गिवन है तो इनकी डायग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको डायग्राम आ सकती है एंड आपको क्वेश्चन आ सकता है दैट आइडेंटिफाई दिस ऑर्गेनिज्म या आइडेंटिफाई द फाइलम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म या पाइला, इनमें से पाइला कौन है, इनमें से एप्पल स्नेल कौन है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड आपको सारे जो कॉमन नेम्स है फाइलम के, जैसे सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स कौन सा फाइलम है, कौन सा फाइलम है जॉइंटेड अपेंडेजेस वाला, कौन सा फाइलम है रिंग वॉर्म्स वाला, कौन सा फाइलम है फ्लैट वॉर्म्स वाला, कौन सा फाइलम है राउंड वॉर्म्स वाला. एवरी सिंगल थिंग इज इम्पॉर्टेंट जो भी आपने पढ़ी है. पढ़ना इतना ही है लेकिन पढ़ना बहुत ही ज्यादा प्रॉपरली है. मोलस्का में हमारा ऑक्टोपस है, जो ऑक्टोपस को डेविल फिश बोला जाता है. इट इज अ काइंड ऑफ फिश एंड इट एक्ट्स एज डेविल. डेविल फिश इज ऑल्सो द ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रेजेंट इन द फाइलम मोलस्का. चलो दोबारा से हम एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स इनके रिवाइज कर लेते हैं. लेट अस सी grades of organization. Organ system is present, symmetry is bilateral, germ layers, three germ layers hai, triploblastic hai, coelom is present, the coelomate organisms aur mollusk hai jo coelomate organisms hai. Habit and habitat is aquatic, some terrestrial hai lekin terrestrial bhi kya hai, geeli mitti mein hi paaye jane wale hai, for example snail. Digestive system is complete, respiratory and circulation system is present, reproduction is dioecious, oviparous. डिवेलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, बॉडी के अंदर हो रही है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है. यूनिक फीचर्स में बॉडी हैज अ हेड, विजरल मास एंड मस्कुलर फुट. हेड के पास क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है जिनको क्या बोला जाता है, सेंसरी टेंटिकल्स बोला जाता है. गिल्स जो है, गिल्स आर प्रेजेंट बोथ फॉर एक्सक्रीशन एज वेल एज रेस्पिरेशन एंड दे आर फेदर लाइक गिल्स. रेस्पिरेशन में भी वही हेल्प कर रहे हैं, एक्सप्रेशन में भी वही हेल्प कर रहे हैं. एंड सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स बट प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ कैल्केरियस शेल. कैल्केरियस शेल क्या है, वो इनको प्रोटेक्ट कर रहा है. मेंटल एंड रेडुला इज प्रेजेंट. व्हाट इज मेंटल, मेंटल इज बेसिकली अ लेयर दैट इज प्रोटेक्टिंग ऑल द विजरल ऑर्गन्स. रेडुला इज द फीडिंग माउथ ऑर्गन जिसकी हेल्प से कोई भी मोलस्क है वो फीड करता है. इसमें क्या होते हैं, इसमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. एग्जांपल्स आर ऑल द बेसिकली शेल लाइक ऑर्गेनिजम्स, ऑक्टोपस एंड स्नेल्स, दे आर इंक्लूडेड इन द ऑर्गेनिज्म, दे आर इंक्लूडेड इन द फाइलम मोलस्का. एंड मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम आफ्टर
आर्थोपोडा। आर्थोपोड्स में क्या था, काइटिन का स्केलेटन प्रेजेंट था। मोलस्क में क्या है, मोलस्क में कैल्केरियस जो स्केलेटन है वो प्रेजेंट है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम फाइलम इकाइनोडर्मेट डेटा, इकाइनोडर्मेट डेटा से स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू।